अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। बहन राजकुमारी मीनाक्षी के स्वयंवर में शामिल होने के लिए देश विदेश के राजाओं ने अपने अपने राजदूत भेजे हैं। मेरी महाराज से प्रार्थना है कि उनकी ये भेंट स्वीकार करें और उन राजाओं को स्वयंवर में पधारने का निमंत्रण दें। शंकरगढ़ के महाराज प्रताप सिंह की ओर से ये अशर्फियों का हार। चंदनपुर के महाराज देवी सिंह की ओर से ये मोतियों का हार।
तुम्हारा नाम नहीं है। ये फूलों का हार और तलवार लेकर कौन आया है? महाराज, ये फूलों का हार मेरे प्यार की निशानी है और ये तलवार उस ताकत की जो जिंदगी भर राजकुमारी की रक्षा करेगी। मैं ना तो किसी रियासत का राजा हूं और ना कहीं का राजकुमार, बल्कि एक बहादुर शिकारी और समुराई का जानकार हूं। कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारी बेटी का अपमान करने की हिम्मत की? जो भी हो, हमारा जवाब ये। शगुन अच्छा नहीं हुआ। तुम पंडित जी, हमारी बहन अकेली शिकार पर गई है, भगवान उसकी रक्षा करें। पूरा कर दिया, अब मैं अपना फर्ज पूरा करता हूं। जाओ। ये लीजिए, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई राजकुमारी साहिबा? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? ज्वाला। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं ज्वाला, तुमने हमारी जान बचाई है। यह एहसान मैंने आप पर नहीं, अपने आप पर किया है। जी आइए, मैं यहीं रहता हूँ। शेरू आओ, आओ। यह है मेरा शेरू, इसी ने मुझे आप पर हमले की खबर दी थी। आइए आइए। हमने अपनी जिंदगी में तुमसे बड़ा बहादुर नहीं देखा। तुमने हमारी जिंदगी की दौलत हमें वापस लौटाई है, ये जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है। इसके बदले में जो मांगना है मांगो, हम इनकार नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। वादे करना और निभाना तो गरीबों की जागीर है राजकुमारी साहिबा, महल वाले तो कानून की तरह वादे भी तोड़ देते हैं। बैठिए। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है। क्या चाहते हो मांगो, सोचते क्या हो मांगो। ये क्या है? ये उस देवी की मूर्ति है जिसकी मैं बरसों से दिन रात तपस्या करता आया हूं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि वो सोने और चांदी की दीवारों के बीच बैठी है, जहां से मेरी तपस्या बार बार टकरा कर वापस लौट आती है। क्या आप वायदा करती हैं? क्या आप मेरी बरसों की तपस्या का फल मुझे दिला देंगे? अगर ये हमारे बस में है तो हम। ये आप ही के बस में है राजकुमारी, तो हम वादा करते हैं। जी हाँ, तभी तो मैं कह रहा था कि ये सिर्फ आप ही के बस में है। ठीक है, हमारे साथ महल चलो, हम खुद महाराज से बात करेंगे। जी नहीं, जिस महल में मेरा अपमान किया गया है, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया गया है, उस महल में मैं भूल कर भी कदम नहीं रखूंगा। अपमान? जी हाँ,
दूसरे राजकुमारों की तरह मैंने भी अपनी तरफ से विवाह का पैगाम भेजा था, जिसे भरी सभा में ठुकरा दिया गया। अगर आप राजी हैं तो हमारा विवाह होगा आज, आप ही इसी वक्त, वरना आप अपना वायदा तोड़कर वापस जा सकती हैं। शोशर इतनी जमानत मिलकर एक लड़की को हत्या नहीं कर सके। युवराज, मनुष्य सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कुंडली के अनुसार आपकी मृत्यु आपके सबसे बड़े भांजे के हाथों होगी। ये विधाता का लेख है। राजगुरु, आप हमसे पहले भी ये कह चुके हैं, लेकिन विधाता के इस लेख को हम मिटा कर रहेंगे। कंस ने भी यही सोचा था युवराज। कंस एक बेवकूफ किस्म का इंसान था, जिसे अपनी बहन देवकी को कैद में रखा और उसके बच्चों को मारता चला गया। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी मौत लाने वाली बेल को जड़ से काट देंगे। जब बहनी नहीं रहेगी तो भांजा कहां से होगा? एक बार मीनाक्षी हमारे हाथ से बच गई है, वो बार बार नहीं बचेगी। और तुम हो पिताजी, मैं तो महाराज, ऐसा मत कीजिए। अपने पति की तरफ से मैं आपको शपथ देती हूँ। तुम्हारे कारण ही हम इसे जीवन दान दे रहे हैं, वरना हमारी बेटी की जिंदगी पर हमला करने के अपराध में हम इस मौत की सजा भी दे सकते हैं। रूपमती, चलिए आरोपी। अग्नि को साक्षी रखकर मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। शेर नहीं, शेरनी। जिस शेर का तुमने शिकार किया था, ये उसकी मौत का बदला लेने आई है। ये फिर आ सकती है। इसका जिंदा रहना खतरनाक है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं मीनाक्षी, तुम्हारी रक्षा करना अब हमारा धर्म है। सुनिए, thank you.
एक महीने से हमारी बेटी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनकी दशा में कोई सुधार नहीं। ना जाने इन्हें कौन सा सदमा पहुंचा है। इन्हें जो करने को कहते हैं करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि होश में होते हुए भी बेहोश। महाराज, राजकुमारी जी की ये हालत देखते हुए स्वयंवर में आए हुए राजाओं को आप क्या जवाब देंगे? महाराज, हम राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह करने आए थे, किसी पत्थर की मूर्ति से नहीं। आप हमें उनकी दशा पहले ही लिखकर भेज देते तो हम यहां आने का कष्ट न करते। हीरजपुर नरेश, प्रताप सिंह, महाराज राजकुमारी जैसी भी है हमें स्वीकार कर। आपके पति? नहीं, आप मेरे पति नहीं हो सकते। जिस वक्त हमारा विवाह हुआ था उस वक्त आप होश में नहीं थे। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कर रही है? छोड़ दीजिए मुझे, मेरा किसी और से विवाह हो चुका है। क्या? अगर ऐसी बात थी तो आपके पिताजी ने ये बात हमसे क्यों छुपाई? ये बात वो भी नहीं जानते। हम दोनों ने चुपचाप गंधर्व विवाह किया था। कहाँ है आपके पति? मैं विधवा हूँ। वो मेरे पति थे, उनके सिवा किसी दूसरे का विचार मन में लाना भी मेरे लिए पाप है। और आपके अनुसार मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे तन मन पर आपका पूरा अधिकार है। अब आप ही फैसला कीजिए, मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता है मेरे लिए? है। आप महारानी बनकर राजमहल में रहेंगी, दुनिया की नजरों में आप हमारी पत्नी जरूर होंगी, मगर आपके शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। यह राजपूत का वचन है। ऐसा लगता है मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ऐसी हालत में मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। कुछ देर के लिए हम परेशान तो गए थे कि हमारा वंश कैसे चलेगा, लेकिन आपने हमारी वो चिंता भी दूर कर दी। आपका बेटा हमारा धर्मपुत्र होगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, हमारी और हमारे वंश की मर्यादा के लिए आप कभी किसी पर यह राज जाहिर नहीं होने देंगे कि आपकी औलाद असल में हमारी औलाद नहीं है। भैया। महाराज, मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने आया हूं, अगर आपकी आज्ञा हो। अवश्य। भैया, ये आपकी दशा कैसे? क्या बतलाऊं बहन, अपने कर्मों का फल पा रहा हूँ, अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाप मैंने किया है और सजा इसे मिल रही है। भाभी, 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 अपने भूल का प्रायश्चित करना भी एक महानता है सतपाल सिंह। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, और आज से आप यही रहेंगे। हाँ भैया। नहीं बहन, नहीं, मैं कमीना इस काबिल नहीं। एक प्रार्थना है तुमसे, जब तो तुम्हारी भाभी के बच्चा नहीं हो जाता, इसे दासी समझकर अपने चरणों में जुड़ जाओ। कैसी बातें करते हो भैया? हम युद्ध पर जा रहे हैं सतपाल सिंह, जब तक हम वापस नहीं आएंगे आप तो हमारी महारानी का ख्याल रखना। इतना बड़ा मान, इतना बड़ा सत्ता। सतपाल सिंह, लाओ हमें इसे, हमारा बेटा। हम इसे यहाँ का राजकुमार बनाएंगे, मुकुट पहनाएंगे, तख्त पर बिठाएंगे, हम इसे यहाँ का राजा बनाएंगे। राजा। सरकार की जय हो, महारानी को लड़का हुआ। लड़का हुआ है,
मेरा पहला भांजा, मेरी मौत तक समान। मेरा बेटा है राजा बनेगा। ओह ताई माँ, सानी माँ को फिर से दर्द शुरू हो गया क्या? मेरे पहले भांजे, तेरे हाथ से मेरी नहीं, मेरे हाथ से तेरी मौत होगी। तेरे मुबारक हो रानी माँ, दूसरा भी लड़का पैदा हुआ। अरे राजकुमार कहाँ गया? राजकुमार बास, ए राम, रानी माँ, रानी माँ, आपका पहला बच्चा पंछी उठा के ले गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग कैसे भी करके मेरे बच्चे को वापस लाओ। सुनिए, बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? अपने बेटे की तकदीर बनाने। बहन, काश वो पंछी मेरे बेटे को ले जाता, मैं और रुक्मिणी अपने कलेजे पर पत्थर रख लेते, तेरा ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। दोनों बच्चे साथ साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, एक जैसी शक्ल, सूरत, नहा नक्शा। आ जाओ, राजकुमार को आराम करने दो। नहीं, मैं ये पाप नहीं होने दूंगी। अरे चुप बैठ, बड़ी आई पाप वाली। जब मेरे पिताजी ने राजपाट छीन कर मुझे दरबदर कर दिया था, उस सब पाप का एहसास किसी को हुआ था? अब मेरा बेटा राजकुमार बनेगा और ये नवाब ज्यादा उसकी गुलामी करेगा। मेरे बेटे के सर पर मुकुट रखा जाएगा और ये नवाब ये जूते साफ करेगा और मैं चैन की नींद सोऊंगा। क्या है धन्नो? ये परिंदा किसका बच्चा रखा लाया? बच्चा किसका? पता नहीं। देखा, हम 9 महीने से इस आदमी की सेवा कर रहे हैं, आज उसके बदले में भगवान ने तेरी सुनी गोद भर दी। होश में आ गए? बड़ा भाग्यवान है ये बच्चा, इतने महीनों से कोई भी वैद्य ने अच्छा नहीं कर सका, इस बच्चे के घर आते ही इन्हें होश आ गया। आप लोग कौन हैं? मैं लोहा रामदीन हूँ, आप करीब 9 महीने से मेरे यहाँ बेहोश पड़े। क्या, 9 महीने से? जी हाँ, आप हमें नदी किनारे जख्मी हालत में मिले थे। हम आपको जानते हैं, आप शिकारी ज्वाला सिंह है ना? जी। हम आपको आपके घर ले गए थे लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आपको जख्मी हालत में अकेला छोड़ना अच्छा नहीं समझ कर हम आपको यहाँ लाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे मेरे घर में कोई नहीं था। जी नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप? किसी को ढूंढने। तेरा हक तुझे को मिलेगा, मेरे बेटे को नहीं।
हमें नहीं देगा क्या? गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहा है? राजकुमार वीर सिंह के नामकरण के शुभ अवसर पर रानी माँ की तरफ से ये सोने की अशरफियाँ। बोलो राजकुमार की जय! राजकुमार की जय! राजकुमार की जय! महारानी मीनाक्षी की जय! महारानी मीनाक्षी की जय! नहीं शेरू, नहीं, तकदीर इतनी मेहरबान नहीं के महलों की रोशनी गरीब ज्वाला के घर को भी रोशन कर सके। सब अपने ही पराए हो गए तो फिर पराए से क्या गिला? चल शेरू। महाराज ने युद्ध में दुश्मनों पर विजय प्राप्त की और उस लड़ाई में महाराज मारे गए। दिन का बेटा है, हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बाबा बाबा ये लो। शाबाश, ये बात हुई ना, अब मुझे यकीन है कि एक दिन तू जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। करेगा क्या बाबा, करना शुरू कर दिया है। आप भी रियासत के शाही तीर बनाते हैं और एक आपके बेटे ने बनाया है, जरा देखिए। बहुत खूब बेटे। कल मेरे यार का जन्मदिन है बाबा, यही तीर मैं उसे तोहफे में दूंगा। मेरा जी चाहता है मैं उसे ऐसे ऐसे तीर बनाकर दूं जिसे देखकर दुश्मन की टांगे कांप उठे। ये बात हुई ना मामा जी। अरे जियो मेरे लाल जियो, मैं चाहता हूँ कि आगे चल के तेरे बाग में इतनी ताकत आ जाए कि हर दुश्मन का सर उसी तरह खोल कर दे जैसे तूने इस तरबूज को खोल कर दिया है। बेटे चल, मैं तेरी नजर उतार दूँ। अरे कहीं मेरी ही नजर ना लग गई हो। अरे मामा जी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो तीर चलाने का अभ्यास करना और बाकी है। नहीं बेटे, आज के लिए अभ्यास बहुत हो गया। पर मामा जी, आपके तरबूज नहीं रखूंगा। तो फिर क्या रखेगा? आपके रखूंगा सेब तो बहुत छोटा है, अगर निशाना चूक गया तो सेब बच जाएगा और मेरे सर का ढक्कन खुल के रह जाएगा। ठीक है तो जाइए, मैं समझ गया आप मुझे कितना प्यार करते हैं। बेटे तू नाराज हो गया? ला भाई ला, कोई बात नहीं, अगर मारा भी गया तो लोग यही कहेंगे कि मामू अपने भांजे के हाथों से मारा गया है, और ऐसा भांजा जिसे वो अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता है। बेटे बहुत संभाल के तीर चलाना। अरे वाह वाह, तूने तो अपनी तीर अंदाजी से मेरा शेर अकाउंट बना दिया है। काश तू मेरा भांजा नहीं, मेरा बेटा होता। बेटा ओहो, आप आगे कहाँ आ रहे हैं? सेब तो उड़ा दिया ना। सेब तो उड़ा दिया है मामा जी, अब ये अंगूर उड़ाना है। मामा जी मटर का दाना। मामा जी ना बाबा ना, ना बाबा ना 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 गधे की औला। निशाना देखा पिताजी? राजकुमार की तरह मैंने भी तीर चलाना सीख लिया है। अब मेरा दूसरा निशाना देखिए। अबे ओ गधे की औलाद, तेरे बाप ने भी कभी तीर चलाया था? छोड़ दे ये तीर कमान, ये राजाओं महाराजाओं के खिलवाड़ हैं। जा 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 जा, कोई घटिया काम कर घटिया। पिताजी आप मुझे हमेशा गधे की खच्चर चौलाद कहते रहते हैं, अब नहीं कहते।
अब तो मैंने तीर चलाना भी सीख लिया है और आज मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं किसी गधे और खच्चर की नहीं आपकी औलाद हूं। देखिए धर्म बेटा, बहुत देर हो गई, अब तो खाना खा ले, अब वो नहीं आएगा। वीर जानता है आज मेरा भी जन्मदिन है, वो आएगा। बेटा वो एक राजकुमार है और सुराज का जन्मदिन है, उसके दरवाजे पे हजारों लाखों लोग तोहफे देने के लिए खड़े होंगे। बेटा ऐसे हंगामे में उसे कहां याद होगा कि एक लोहार उसका इंतजार कर रहा है। दुनिया जानती है माँ, मोहब्बत और सच्चाई की खातिर लोगों ने महलों को ठुकरा कर झोंपड़ों को गले लगाया है। अगर मेरी दोस्ती में सच्चाई है माँ, तो वीर आएगा और जरूर आएगा। मैंने कहा था ना वो आएगा। आज मेरे यार का जन्मदिन है, भगवान करे इसे मेरी भी उम्र लग जाए। आज मेरे भी यार का जन्मदिन है, भगवान करे उसे सारे जहां की उम्र लग जाए। देख तेरे लिए क्या तोहफा है, जो पसंद आए चुन ले। और ये तोहफा मेरी तरफ से, ये तीर लोहे का सीना चीर कर पार हो जाएगा। अच्छा, यकीन नहीं आता तो चलाकर देख, तेरे यार का सीना किसी लोहे से कम नहीं। नमस्ते माँ जी। तुम्हारी जोड़ी दुनिया के लिए मिसाल रहनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, लोगों को कहना चाहिए कि पत्थर की लकीर मिट सकती है, लेकिन धर्मवीर की जोड़ी कभी नहीं टूट सकती। नहीं टूटेगी बाबा, कभी नहीं टूटेगी। चल धर्म। अरे बेटा रोटी भी लेते जाओ। अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोड़ी। अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो सात अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। हर थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं, कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं, कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं। क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना। अरे छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार की बाहन छोड़ी। हो Thank you.
कितना गुस्सा है कितनी मुजोर है ये लड़की है या रेशम की डोर है कितना गुस्सा है कितनी मुजोर है ढीला छोड़ न देना हंस के रखना दोस्त लगा में कस के हर मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी हो अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी हर दौड़े से भई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी के हम साथी हैं ये वादा है अपना जो कुछ है सब आधा आधा है दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है अपना जो कुछ है सब आधा आधा है जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो अरे रानी माँ से मुझको भी ममता मिल जाए थोड़ी सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी पर तोड़े से भई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी हो की राजकुमारी लगती है अबे तू तो मरवाएगा ये अपनी रियासत नहीं है बैठ जा नीचे मरवाएगा नहीं मारूंगा अरे
तुम? शुक्र है आपने पहचान तो लिया। हाँ तो राजकुमारी सहवा, अगर हमने आपके शेर को हरा दिया तो इनाम में क्या मिलेगा? जो तुम मांगोगे मिलेगा ना, मुकर तो नहीं जाएंगे। जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुमसे नहीं, राजकुमारी से बात कर रहा हूं। हमने कह दिया सो कह दिया। ज्वाला से बने लोहे के इस जिस्म के लिए इन गहनों की जरूरत नहीं। शहजादी साहिबा, आपका ये शेर तो गीदड़ निकला। आपके पास सही मानों में कोई शेर हो तो एक नहीं दो भेजिए, मैं तैयार हूं। गुलाम इनाम के लिए हाजिर है। मांगो जो मांगना है। आपकी आवाज में खुशी कम और मजबूरी ज्यादा है राजकुमारी साहिबा। मांगो, क्या मांगते हो? आपका हाथ। गिरफ्तार कर लो उसे। Thank you.
राजकुमारी साहिबा, आपने तो हमें इनाम नहीं दिया, लेकिन हम आपको कुछ देकर जरूर जाएंगे। जश्न तो कल है, आज क्यों लेने आए हो? हम लोग अभी अभी तो जहाज से उतरे। हम तुम्हें लेने नहीं आए सरदार, हम एक आदमी को ढूंढने आए हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं आया है। ठीक है, हम खुद तलाशी लेते हैं। पे रगड़ दे, ये ले। अरे जल्दी कर, सोच कर रही है तू भी तो। बस आहिस्ता आहिस्ता चलो, आहिस्ता। कौनती, ये अचानक तेरे हाथों में मर्दानगी कहां से आ गई? अरे बाबा, ये मेरी पीठ है, कोई भैंस की खाल नहीं। थोड़ा प्यार से तो चुप चुप से क्यों है? थोड़ी देर पहले तो तेरी जबान बड़ी चबड़ चबड़ कर रही थी, ये एकदम बोलती कैसे बंद हो गई? हाँ जी, वो क्या है कि मेरे पीछे सिपाही लगे हुए। अच्छा, तो इसलिए बोलती बंद है। बस क्या आवाज? अरे सुनिए, भगवान के लिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर यकीन ना आए तो जी भर कर चिल्लाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपकी कसम। बोलो। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं एक गवैया हूँ, यहाँ का सिपा सलार मुझे जबरदस्ती फौज में भर्ती करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप राजकुमारी के यहाँ गाना गाने जा रही हैं, मुझे भी एक मौका मिले। तुम गा सकते हो? अरे मैं गा भी सकता हूँ और बजा भी सकता हूँ। ठीक है,
वो कपड़े लेके आ। हाँ जी जी, जी। उधर देखो जी जी। बड़ा देखा आवाज़ी को देगी लेती गला साफ हो जाएगा। अबे इस नवाबजादे का गला ठीक करो वरना कल राजकुमारी हमें जलाकर राख कर देगी। अरे ऐसे कैसे जलाकर राख कर देगी, इस छुछुंदर के सिवा दुनिया में और कोई गवैया नहीं है क्या? ये देख गवैया ढूंढकर लाई हूँ। कौन है, कहाँ से आया है? तुझे इससे क्या, गाना गवा और छुट्टी कर। कौन है, कहाँ से आया है, ये सब पूछने की तुझे क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं, मैं इस कबीले का सरदार हूँ और तू मेरी मंगेतर, मत बोलना ये। अरे हाथ छोड़, मैंने कब कहा कि मैं इससे शादी करने जा रही हूँ? अगर किसी से शादी का नाम भी लिया ना तो जान से मार डालूंगा। नीच, तेरी कंदी जबान पर हमारी बहन राजकुमारी का नाम आने की हिम्मत कैसे हुई? बोल कौन है तू? आपको शायद कम नजर आता है, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिस रोटी को सोने और चांदी के बर्तनों में खाकर घमंड का डकार लेते हैं, हम गरीब उसी रोटी को मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में खाकर भगवान का गुणगान करते हैं। बदतमीज, हम तुम्हें वो मौत मारेंगे, एक बार मौत भी कांप उठेगी। ये आपके हाथों नहीं हमारे हाथों मरेगा। इसने हमारा अपमान किया है, इसका बदला हम खुद ही लेंगे। आप जाइए। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मां कसम आपके इस भूत जैसे भाई से मार खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। आज हम तुम्हें वो मजा चखाएंगे कि तुम जन्म जन्म तक याद रखोगे, जन्म जन्मांतर तक साथ निभाओगे। इसीलिए तो भरी सभा में तुम्हारा हाथ मांगा था। जरा अपने माथे से पसीना तो पोंछ लीजिए, मुझे यकीन है मेरे मरने से पहले आप मुझ पे मरने लगेंगी। तुम तो हमारी नफरत के लायक भी नहीं हो। इतना लायक तो रखना ही पड़ेगा राजकुमारी साहिबा। हम तुम्हें पहली सीढ़ी पर ही खत्म कर देंगे। राजकुमारी की जय हो। अवधपुर के राजकुमार सुजान सिंह आए हैं। राजकुमारी साहिबा, हमारे लिए जगह नई है, आपके बगैर बड़ा सूना सूना लगेगा, जरा जल्दी आइएगा। जल्दी आएंगे लेकिन सौगंध खाकर जाते हैं कि जब तक तुम्हारे खून से हाथ ना रंग ले उनका दाना तक नहीं छूएंगे। हम भी सौगंध खाते हैं, जब तक अपने खून से आपकी मांग नहीं भर देंगे अन्न तो क्या पानी तक नहीं पिएंगे। बदतमीज, मां कसम इसका बदला भी हम बड़े प्यार से लेंगे। We'll be right back.
दुश्मनी है, दिल की लगी है, प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया।
राजकुमारी जी, सिपाही खाली हाथ लड़ता है, धर्म सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सके। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। कल सूरज डूबने से पहले उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर किया जाए। गुलाम हाजिर है राजकुमारी साहिबा। हुस्न याद करे और इश्क नहीं आए, ये तो मोहब्बत की तौहीन हुई। अच्छा हुआ तुम यहाँ खुद चले आए। भरी सभा में अपना हक मांगना शायद आपको नागवार गुजरा, इसलिए तन्हाई में इल्तिजा करने चला आया हूँ। लगता है तुम्हारी मौत हमारे हाथों लिखी है। मैं भी तय करके आया हूँ कि अपनी मौत का सामान अपने साथ ले जाऊंगा, इस वादे के साथ कि आपको सही सलामत महलों में वापस पहुँचा दिया जाएगा। बदतमीज, जानते नहीं पल्लवी हमारी मंगेतर है? मां कसम, धर्म सिंह लोहार के अलावा आपका हाथ थामने वाला कोई दूसरा माइकालाल पैदा नहीं हुआ। सोच क्या रहे हो सुजान सिंह, क्या तुम्हें अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं? शायद इसे आप पे भी भरोसा नहीं रहा। मगर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। तो फिर आ जाइए ना। लड़कियों गिरफ्तार कर लो इसे, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे, सिपाहियों सिपाहियों गिरफ्तार कर लो, पकड़ो इसे। देख लिया राजकुमारी, मेरे जो कदम प्यार की राह की तरफ चल पड़े हैं, उन्हें ना तो आपका गरूर और ना आपके सिपाही आगे बढ़ने से रोक सके। और यही कदम एक दिन तुम्हें मौत के पास ले जाएंगे। आपको पाने के लिए एक क्या हजार जाने कुर्बान, और फिर जब सामने इतना हसीन कातिल हो तो मां कसम मौत कितनी हसीन होगी। याद रखना, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद होंगे। अपनी निगाह शौक के काबिल बना दिया हमको, दुआएं दो तुम्हें पाद बना दिया। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मैं गलियों का राजा तुम महलों की रानी, मैं गलियों का राजा तुम महलों की रानी। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को, मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को, बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी। और मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तुम महलों की रानी, मैं गलियों का राजा तुम महलों की रानी। गलियों में वरना
कदर खाक तेरी, महलों में होगी बहुत धाक तेरी, गलियों में वरना कदर खाक तेरी, के मैं आ गयूं आ गयूं तू है पानी, पर मैंने तुझको चाहो ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा महलों की रानी, मैं गलियों का राजा राजा तू महलों की रानी। मिटाइए शौक से मिटाइए राजकुमारी साहबा, ये मर्द का खून है, इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। आपने मेरे खून से अपने हाथ रंग लिए और मैंने उसी खून से आपकी मांग भर दी। इस तरह आपका वादा और मेरी कसम दोनों पूरे हुए। अब जाकर अन्न जरूर खा लीजिएगा, मैं भी थोड़ा बहुत पानी पी लूंगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आईने में सूरत देखकर अगर मेरी याद आ जाए तो शर्म से सर झुका लीजिएगा। हाँ, यहां नहीं, महल जाकर अकेले में आईने के सामने। ए राजा, ये तेरे यार की अमानत है, इसे बड़ी हिफाजत से महल तक छोड़कर आना, समझा? हाँ समझ गया, जा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, मेरे कपड़े ले आओ। राजकुमारी जी, आपके माथे पे ये खून? राजकुमारी, राजकुमारी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आकाश पाताल साफ छान मारे। जहन्नुम में ढूंढा आपने? जी जी नहीं। तो जाइए वहीं ढूंढिए। अपने आप को मर्द कहते हैं आप? मर्द तो एक तरफ, आप तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं, फुल फिल कहीं के। आप तो खाम खा नाराज हो रही हैं। वक्त आने दीजिए, मैं उसे एक न एक दिन तलाश करके रहूंगा, और जिस दिन वो हरामजादा मिल गया ना, मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट कर आपकी चरणों में पेश कर दूंगा। आप काटेंगे? आपके बाजू में वो शक्ति और तलवार में वो धार है जो फौलाद को काट सके। फौलाद? जी हाँ, वो फौलाद से ज्यादा मजबूत है, शेर से ज्यादा ताकत है उसमें, और खून में वो गर्मी है जैसे पिघला हुआ सीसा दौड़ रहा हो। खून तो हमारा भी बहुत गर्म है राजकुमारी, अगर फौलाद पर छिड़क दो ना तो उसमें भी छाले पड़ जाए। अच्छा, जरा हाथ दीजिए। लीजिए। उल्मा, दर्द हो रहा है? नहीं। जरा इसे माथे पे लगा दीजिए। लीजिए। अब इसे पूंछ डाली। लीजिए। आप इसे खून कहते हैं? ये खून तो पानी से भी पतला है। बहादुर का खून इतना गाढ़ा होता है कि एक बार जहां लग जाए वहां बड़ी मुश्किल से मिटने वाला निशान छोड़ जाता है। राजकुमारी जी, खून तो मेरा भी बहुत गाढ़ा था, लेकिन वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना। पल्लवी, तुम ठीक तो हो ना? उस कमीने ने तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी तो नहीं की? पल्लवी ने आज तक किसी गुस्ताख को जिंदा छोड़ा है? वो घाव दिया है उसे कि जब तक जिंदा रहा मौत के लिए दुआ मांगता रहेगा। Thank you.
ये तुम्हारे जख्म कैसे लगा? आओ आओ मेरे साथ। खून काफी बह गया है, कुछ कमजोरी तो नहीं महसूस कर रहे? मर्द का खून और औरत के आंसू जब तक ना बहे उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इन पत्तियों से जलन तो काफी होगी लेकिन जख्म बहुत जल्द भर जाएंगे। लोहार हूं बाबा, आग की तपस सह जाता हूं, ये तो मामूली पत्तियां हैं। एक बात मानोगे, अपने आप को इन महलों और राजकुमारियों से दूर रखो वरना ये शरीर का जख्म नासूर बनकर दिल में उतर जाएगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है बाबा, मैं आग में कूद चुका हूं, अब शरीर जले या आग बुझे इसकी कौन परवाह करता है। कभी मैं भी यही समझा था, अपनी औकात भूल कर जवानी के जोश में एक ऐसी ही आग में कूद पड़ा था। आग तो बुझ गई लेकिन मैं आज तक उसमें चल रहा हूं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इस अनहोनी को होनी साबित कर सकता हूं। मैं समझा नहीं। मालिक ने इन बाजू में इतनी ताकत दी है कि लोहे की सलाखों को कपड़े की तरह कलाई पर लपेट सकता हूं, मगर उसी लोहे की बनी हुई तलवार को आपकी तरह चला नहीं सकता। बाबा कहते थे आप जैसे समुराय चलाने वाला पैदा नहीं हुआ, अगर आप समुराय मुझे सिखा दें तो। नामुमकिन है। लेकिन क्यों? मैंने फैसला किया है कि ये समुराई या तो अपने बेटे को सिखाऊंगा या किसी मर्द के बच्चे को जो इसके काबिल हो। तो मुझे अपना बेटा समझकर ही सिखा दीजिए। नहीं, ना कोई मेरा बेटा है और ना मैं किसी का बाप हूं। तो किसी बहादुर बाप का बेटा समझकर ही सिखा दीजिए। इसे चलाने के लिए लोहे का जिगर और फौलाद का कलेजा चाहिए। तुम अभी बच्चे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बात है तो फिर हो जाएं दो दो हाथ, अभी पता चल जाएगा लोहे का जिगर किसका है और किसका नहीं। जाओ बेटे घर जाओ, अभी जख्म ताजा है, फिर से खून न बहने लगे। ये क्यों नहीं कहते मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है आपने, डरते हैं आप। मुंह संभाल कर बात कर वरना। इसके तो धनी हैं आप, जरा इसे फेंक कर आइए। माँ कसम इस हालत में भी आपको पूरा पढ़ सकता हूँ। क्या ही तुम्हारी रगों में किसी मर्द का खून है, हम तुम्हें सिखाएंगे। क्या बात शेरू, तुमराई का पहला सबक बाया हाथ आगे।
सुमराई का दूसरा सबक। सुमराई अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। इसलिए तुम वार करो, मैं बचाना सिखाता हूं। नहीं, रुक जाओ। धर्म तीसरा सबक, आंख तलवार की तरफ नहीं, सामने वाले की आंखों में कड़ी रखो, कभी तुम धोखा नहीं खाओगे। आ आ, पेट का वार इस तरह काटोगे तो तलवार पेट को चीरती हुई पीठ के बाहर निकल आएगी। मैं बताता हूं, बाजी भी ये तो अपना भी लाभ निकला। मेरा दोस्त है वीर सिंह। दरअसल ये समझ रहा था हम आपस में लड़ रहे हैं। शाबाश, आज जिंदगी में पहली बार एक नहीं दो वीरों से मुलाकात हुई है। हाँ मेरे बच्चों, क्या बताऊं मां, आज एक भी पुरुष के दर्शन हुए। क्या तलवार चलाते हैं, ना तलवार नजर आती थी ना तलवार का वार नजर आता था, बस वार का चमत्कार नजर आता था। पढ़ते ही एक के तो अपना गुरु बना दिया है, कौन से तलवार चलाना सीख रहा है। ऐसे वीर पुरुष को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए, हम उन्हें अपना सेनापति बना लेते। मैंने बहुत कहा लेकिन वो नहीं माने, बोले हम राजमहल नहीं जाएंगे। क्यों? वो तो कुछ नहीं बताया माँ। और हाँ माँ, उनके पास एक ऐसा बाज है। बाज? हाँ माँ, ऐसा बाज है कि समझ बूझ और अकल में इंसानों से बाजी मार ले जाए। क्या नाम है उनका? ज्वाला सिंह। धीरजपुर की महारानी को एक मामूली शिकारी के झोपड़े में इतनी रात का यूं अकेले नहीं आना चाहिए था। आप जिंदा थे तो लौट कर वापस क्यों नहीं आए? लौट कर क्यों नहीं आए? आया था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। उस रात जब हम आपके तलाश में गए तो एक लाश मिली, उसे आपकी लाश समझ कर हम अपने होश आवाज खो बैठे। पिताजी ने उसी हालत में हमारी शादी कर दी, फिर जब होश आया तो ये दुनिया लुट चुकी थी। मैं भी अपने होश और हवास खो चुका था, होश आया तो मेरी दुनिया भी लुट चुकी थी, मेरी मीनाक्षी मर चुकी थी। मर चुकी थी? हाँ महारानी, जिस दिन मीनाक्षी की मांग में किसी और का संतूर भरा गया था उसी दिन गरीब ज्वाला की पत्नी मीनाक्षी मर गई। मैंने खुद अपने हाथों से उसकी चिता जलाई। पहले हर रोज जिसकी पूजा करता था, अब रोज उसकी राख का तिलक अपने माथे पर लगाता हूँ। तकदीर सब पर मेहरबान नहीं होती महारानी, काश मेरी मीनाक्षी न मरती तो आज वो मेरे बच्चे की माँ होती। नहीं वीर सिंह, आपका हमारी और हमारे वंश की मर्यादा की आप कभी किसी पर ये राज जाहिर नहीं होने देंगे कि आपकी औलाद असल में हमारी औलाद नहीं। अब मैं आपको कैसे बताऊं? यही ना कि आप होश में नहीं,
और जब आपको होश आया तो वायदे टूट चुके थे, दुनिया लुट चुकी थी। और अब जब आप होश में हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आप धीरजपुर की महारानी हैं, एक बहादुर और होनहार बेटे की माँ हैं, और हम दोनों एक दूसरे के लिए अब अजनबी हैं। महारानी, आपके और मेरे बीच ये शराफत की दीवार है, इसे पार मत कीजिए। अब आप मेरे लिए सिर्फ एक महारानी हैं, चाहिए आप अपनी दुनिया में लौट जाइए। ए धर्म, ये क्या सुना? मेरे लोहे जैसा दोस्त एकदम चूहे जैसा हो गया, न खाता है, न बोलता है, न हथौड़ा उठाता है। किसी काम में दिल नहीं लगता यार। क्यों? 10 दिन हो गए उसे देखे हुए। किसे? तेरी भाभी को। राजकुमारी, तो मामला यहां तक पहुंच चुका है? वीर, एक बार उसे मिलवा दे, मां कसम सारे गांव का खाना अकेला खा जाऊंगा, और फिर हथौड़ा ऐसा उठेगा कि सारे गांव का काम 2 दिन में कर दूंगा। हो जाएगा ना? प्यारे, जब तक वीर है सब कुछ हो जाएगा। अब तो तुझ पर भरोसा है। राजकुमारी जी, वही बूढ़ा फरियादी जिसका बेटा आपके हाथों मारा गया आपसे मिलना चाहता है, उसके साथ एक जोशी भी है। जोशी जी, आने दो। राजकुमारी, मुझ बूढ़े पर और कितना अत्याचार होगा, मेरे बेटे की लाश गंगा किनारे रखी है और ये जोशी उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहा। क्यों? क्योंकि जब तक युवराज के बही खाते में इसके पुत्र के जीवन का हिसाब किताब बंद नहीं हो जाता, उसका अंतिम संस्कार असंभव है। हमने इसके बाले के हाथ की रेखाएं देखी हैं, रेखाएं इतनी लंबी हैं कि उसके हाथ से चलकर आपके हाथ से मिल गई हैं। जी, मैं मतलब नहीं समझी। मतलब ये कि इस हाथ ने जीवन लेना नहीं, जीवन देना लिखा है लड़की। अबे ये लड़की नहीं, राजकुमारी है। हम जानते हैं ये राजकुमारी है, पर तेरे पुत्र की बीमारी है, पर होगा वही जो चाहते जगत मुरारी है, बीच में मत बोल बुढ़े, ये आज्ञा हमारी है। कन्या, अभी इस बुढ़े को अपनी बहू का सुख देखना बाकी है, अपने फूल जैसे पोते को गोद में खिलाना बाकी है। इसका मतलब अभी वो जिंदा है? है नहीं, हो सकता है वो युवक अपना जीवन त्याग करके मृत्यु का फाटक खटखटा रहा है, परंतु यमराज उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो क्या उसके शरीर में फिर से प्राण आ सकते हैं? अवश्य आ सकते हैं, यदि आप नैनों में प्यार लिए, होंठों पे मुस्कान लिए, मन में उमंग लिए, दिल में तरंग लिए, उसके 5 चुंबन ले तो। चुंबन? जी हाँ, 2 दिल पर जहां जख्म है, 2 माथे पर जहां तकदीर है, 1 होंठों पर जहां तदबीर है। अगर फिर भी जीवित ना हुआ तो? यदि जीवित ना हुआ तो हम अपना सर काट के आपके चरणों में रख देंगे। और अगर हम ये सब उसके लिए ना करें तो? नहीं, ऐसा मत करिए, वरना मैं अपने बेटे की लाश के पास तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। और आपके माथे पर 2 निर्दोष प्राणियों के खून का कलंक लगेगा। यदि आपके चुंबन से इसके बेटे को जीवन मिल सकता है तो आपको क्या इतराज है? केवल 5 चुंबन की तो बात है। हाँ। इसमें इस बुढ़े का ही नहीं, हम सब का भला है। आप लोग जाइए, मैं सोचूंगी। आप आएंगी ना? मैंने कह दिया ना कि सोचूंगी। आएंगे आएंगे बेटा। देख धर्म, अगर उसे आना होता तो कब की आ गई होती। तू बेकार अपना वक्त तो मेरा वक्त भी जाया कर रहा है। अबे वो आएगी, जरूर आएगी। 5 चुम्बन के लालच के साथ साथ उसके दिल में प्यार की आग भी जला कर आया। और मेरा दिल कहता है अगर वो ना आई तो तेरे प्यार की वो आग जिस पर तू लेटा है ना, उससे जलाने में मेरी मदद जरूर करेगी। पैर दिख रहे, पैर चादर छोटी है।
क्या हिल रहा है? अबे तेरा पेट हिल रहा है, ले जल्दी ले। बंद कर, वो सुन लेगी। ये सब मेरे कारण हुआ है धर्म, मुझे माफ कर दो। वो नफरत, वो गुस्सा सब झूठ था। तुम एक बार जिंदा हो जाओ धर्म, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। होंठों का चुंबन बाकी है, बिल्कुल। तो फिर ये सब ढोंग था? ढोंगी मैं अकेला ही नहीं, आप भी हैं। प्यार होते हुए भी आपने उसे छुपाने का ढोंग किया, और मैंने उस प्यार को पाने के लिए मरने का ढोंग किया। ढोंगी से ढोंगी टकराए, प्यार का इकरार हो जाए। हो जाए पांचवा नहीं। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। Thank you.
मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी, तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा ज्ञान। रूपा, पहले तो हफ्ते में मुश्किल से एक बार नहाती थी, ये बार बार नहाने की आदत कैसे पड़ गई? अरे तुझे क्या पता गोमती, आहिस्ता कर, ऐसे नहाने में क्या मजा है, और वो भी किसी के इंतजार में, कि शायद वो दोबारा आए और अपने हाथों से आहिस्ता आहिस्ता। वो तो राजकुमार है, बार बार नहीं आने वाला। अगर तुझे मिलना ही है तो खुद जाकर राजमहल में क्यों नहीं मिल लेती? अरे ओए तमीज से बात करो, राजकुमार को पता चलेगा ना तो तुम दोनों को खड़े खड़े नौकरी से निकाल देगा। जाओ जाकर कहो कि हम आए हैं। ए छोकरी, तुम हो कौन और आई कहाँ से हो? हम हैं कौन और आए कहाँ से? अरे वहीं से। ए, क्या बात है, क्या हो रहा है? सरकार ये लड़की राजकुमार से मिलना चाहती है। ओ, आप राजकुमार से मिलना चाहती हैं? जी। बदतमीज, इन्हें रोकने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? आइए। देखा, इन्होंने पहचान लिया ना यहाँ की होने वाली राजकुमारी को, मुंडे नीचे। आइए राजकुमारी जी। ए, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इसलिए कि तुम्हारे वास्ते दिल का दरवाजा जो खोल दिया है जाने मन। ए, जाने मन होगी तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी चाची। मुझसे मुंह संभाल कर बात कर। मुंह तो संभाल लूं, लेकिन कमबख्त ये दिल कौन संभालेगा? दिल को डाल चूहे के बिल में। रास्ता छोड़। तू जिद छोड़ दे, मैं तेरा रास्ता छोड़ दूंगा। देख, हट जा, नहीं तो चीर के रख दूंगी। जहां हमारे फरिश्तों को जाते हुए डर लगता है, वहां हम खुद पहुंच जाया करते हैं कमीने। राजकुमार, इस तरह खिड़की से हमारे कमरे में अंदर आने का मतलब बेईमानों के घर का दरवाजा जब बंद होता है तब शरीफ आदमी को मजबूरन खिड़की से आना पड़ता है। सूअर का बच्चा। तुम यहाँ कैसे चली आई? तुम बहुत दिनों से मिले नहीं थे, इसलिए सोचा खुद ही मिलूं। कोई काम था? किसी से कोई काम होता है कोई मिलने जाता है। राजकुमार से तभी मिला जाता है जब कोई काम हो। ए, तुम दूसरों के लिए राजकुमार हो गए, लेकिन मेरे लिए वही बन जा रहे हो। तुमसे हंस के दो बातें क्या कर ली, तुम प्यार समझ बैठी क्या? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई कुछ भी प्यार नहीं? लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी? रानी माँ, अरे तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, रानी माँ आ गई। रानी माँ, देखती हूँ गलत फहमी किसको हुई है। अरे सुन 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 सुन,
रानी माँ, मैं रूपा हूँ, एक बंजारन। क्या चाहिए तुम्हें? इंसाफ रानी माँ, आपकी रियासत का उसूल है ना कि खून के बदले खून और जान के बदले जान, तो दिल के बदले क्या होगा रानी माँ? दिल के बदले दिल? क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है? तोड़ा नहीं, चुराया है। महलों के रहने वाला एक लड़का मुझे गरीब बनकर मिला था और अब मेरे प्यार से इनकार करता है। उसने कभी कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है? नहीं नहीं। राजकुमार, तुम? रानी माँ, बात यह है कि वो, हाँ, आपकी बग्घी तैयार है। लड़की, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा, आओ हमारे साथ। वीर, उस लड़के तक हमारा पैगाम पहुंचाओ कि इस रियासत में किसी का दिल तोड़ना कानून तोड़ने से ज्यादा बुरा माना जाता है। उससे कहो रूपा का हाथ मांगने कबीले के सरदार के पास जाए, वरना उसे हम सख्त सजा देंगे। जी, वो लड़का जरूर जाएगा। बस अब तो खुश? मैं तो खुश हुई, लेकिन लगता है तुम खुश नहीं हो। तू जबरदस्ती समझता है तो जाने दे। अरे ऐसे प्यार में क्या मजा, अपन तो सारी जिंदगी अपने सरदार के साथ गुजार लेंगे। जो कि अगर तू ऐसी बात करेगी तो तुझे और तेरे सरदार दोनों को जान से मार दूंगा। अपने सरदार से जाकर कह देना कल तेरा हाथ मांगने आ रहा हूं। सच? ये राजमहल है। अरे उठ गया, मैं अब हार गया। मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास तो बात कुछ है। हमारा जहाज है, वो लगा दूं? जहाज का मैं क्या करूंगा, नमाज लगा दो। नमाज? मैं समझा नहीं। हाँ, मेरा मतलब है रूपा। रूपा? वो तो मेरी मंगेतर है। अरे फिक्र क्यों करते हो, मंगेतर तो मंगेतर ही रहेगी। भारी? क्या मेरी? अरे सोच क्या रहे हो, लगा दो उसे दांव पर। तुम जीत गए तो सारा माल तुम्हारा, मैं जीत गया तो सिर्फ रूपा मेरी। ठीक है, रूपा लगे दांव पर। ये हो ना मरने वाली बात। रूपा रूपा, सरदार ने तुझे दांव पर लगा दिया। क्या? हाँ, लगता है स्थानीय के दिन भर गए। रूपा मंगेतर किसकी है, तेरी या मेरी? अरे हाँ हाँ, रूपा मेरी। चलो रूपा को मैं जीत गया, रूपा मेरी है। हाँ हाँ, रूपा। अरे आज सरदार, अपना बाप का मां समझ के दांव पर लगाए मुझे? चूरे कमीने, तू यहाँ भी पहुंच गया? अरे चल, अबे छोड़। छोड़ कैसे दूं? अरे तो शर्म नहीं होती? मेरी रानी, छोड़ मुझे, छोड़। अरे चल मेरी रानी, काटती भी है। अरे चल, अरे चल ना। क्यों, औरत का हाथ तो बड़े जोर से खींच रहे थे, मर्द का हाथ खींचते हुए शर्म आती है? ओए होए होए होए, बेचारा मेरा दूल्हा बनने चला था। हाँ? कौन हो तुम? कमजोरों की मदद करना और जालिमों के सर कुचलना मेरा धर्म है, इसलिए माँ बाप ने मेरा नाम भी धर्म रखा है। सरदार, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, चूहे में हारा हुआ माल वापस लेने के लिए तुम मेहमान से इतना बड़ा नाटक करोगे। एक तरफ कबीले की इज्जत पर हाथ डालते हो और दूसरी तरफ अपने आप को कबीले का मेहमान कहते हो? इतने मर्दों में से कबीले का सरदार चुनने के लिए यही एक बुजदिल मिला था आप लोगों को? सरकार, मैं चूहे में जीते हुए पैसे और तुम्हारी मंगेतर में वापस कर दूंगा, लेकिन तुम इसे ठिकाने लगा दो। कबीले का सरदार सर की बाजी लगाकर कबीले की इज्जत बचाता है, कबीले की इज्जत दांव पर लगाकर सरदारी नहीं देता था। बहुत खतरनाक आदमी है, देख रहे हो आदमी को कैसे भड़का रहा है।
जो अपनी मंगेतर को दांव पर लगा सकता है वो कबीले की बहू बेटियों की इज्जत क्या बचा सकेगा? बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। मुझे तो लगता है जिस तरह मेरी गति छिन गई आज तुम्हारी भी सरदारी छिनने वाली है। अगर तुम लोगों में जरा भी इज्जत है तो इसका मुंह काला करके इसे कबीले से बाहर निकाल दो। अरे उनको क्या भड़काता है, ये भेड़ बकरिया मुझे यहाँ से क्या निकालेगी? जिस दिन इन्हें कोई मर्द सरदार मिल गया यही भेड़ बकरियां शेर बन जाएंगी। मेरे होते हुए उन्हें दूसरा सरदार मिलेगा तो ना? अरे मिलेगा क्या, मिल गया है। धर्म सिंह हमारे कबीले का नया सरदार है। क्या बोलते हो तुम लोग, धर्म सिंह हमारे कबीले का? इस कबीले का उसूल है सरदार बनने से पहले इसे मुझे कुश्ती में हराना होगा। कबीले की इज्जत बचाने के लिए अपने सर की बाजी लगा देता है। कबीले की बेटी को अपनी बेटी, बहन को अपनी बहन और माँ को अपनी माँ समझता है। कोई सरदार दौलत की खातिर अपने कबीले की इज्जत को दांव पर नहीं लगाता। सरदार, मेरे दूल्हे राजा को लोगों की नजर लग गई है, जरा आगे काला टीका तो लगा दो। मेरे काले बबुआ, सबको देख लूंगा, देख लूंगा सबको। रंजीत सिंह, कीमती महलों में रहकर गरीबों की इज्जत सस्ती दिखाई देती है। शराफत से चले जाओ, अगर इन गरीबों ने शराफत छोड़ दी तो तुम जैसे अमीरों की इज्जत इन्हीं के पैरों तले रौंदी जाएगी, समझे? इसका फैसला दरबार में होगा। जाने भी दीजिए मामा जी, जब मुझे अपने भाई से कोई शिकायत नहीं तो इतनी सी बात के लिए इसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे? नहीं नहीं राजकुमार, ये जरा सी बात नहीं है। इस हराम को अपने आप हमला जो हमारी रियासत के कल के आने वाले सूरज की तरह है, जिनसे हमारी इतनी उम्मीदें वाबस्ता है। अगर आपको कहीं कुछ हो जाता तो हमारी दुनिया में हमेशा की याद आ जाता राजकुमार। आप देख रहे हैं दलित नौजवान इंसान को जो आज तक राजकुमार के बजे के डरों में करता रहा, आज आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई इसने राजकुमार वीर सिंह की जान लेना चाहिए। डरियो आप सब लोग गवाह रहना और इतिहास में मेरा नाम सुनहरी हरूप से लिखना कि मैंने कानून को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे की जान की परवाह नहीं की। रामपुर बहुत बहादुर बनता था, मैं तो ये देखता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है और आज ये आग में तेरे खून से बुझाऊंगा। पिताजी खामोश मत क्या, मुझे पिताजी मेरा बेटा नहीं किसी नीचे कमीने आदमी की औलाद है। हम जलील कमीने जाओ, इसने हमारे बेटे राजकुमार की जान लेना चाहिए, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप नहीं जाएंगे, वीर सिंह हमारा बेटा नहीं है। हाँ वीर सिंह रानी का बेटा है और रंजीत हमारा, दूसरे आप बच्चे दोबारा बदल दिए थे। छोड़ मुझे,
था ऐसा ना कहो बेटे। बेटे मैं तो किसी नीच कमीने की औलाद हूं ना, जिसे देखते ही आपके तन बदन में आग लग जाती है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटे। अब कह रहे हो भूल जाओ बेटे, तुमने किए क्या पर पानी फेर दिया है। जाओ खड़े खड़े मेरा मुंह का देख रही हो, हमारे बेटे के लिए पिस्ते बादाम का दूध लाओ। अरे जाओ जाओ ना। जी जी। बेटा सारा उल्टा चक्कर तेरी माँ ने चला दिया है। अगर अगर वो उस दिन बच्चे ना बदल देती वीर सिंह के लिए तुम रियासत के राजकुमार कल के आने वाले महाराज होते। महाराज कल का आने वाला महाराज? आप क्या समझते हैं कि अब मैं महाराज नहीं बन सकता? मार बेटे, सिर्फ दोनों को ही तो रास्ते से हटाना है। बेटे हमारे दुश्मन दो नहीं हैं, तीन हैं। तीन? तीसरा कौन? धर्म सिंह लोहार, वो वीर सिंह की ढाल है, और जब तक ये ढाल रहेगी हमारे सब वार बेकार जाएंगे। क्षमा कीजिए महाराज, इस वक्त राजकुमारी सो रही है। उन्हें उठाओ और उनसे कहो क्योंकि सपनों का राजा आया। मैं उन्हें नहीं उठा सकती। तो ठीक है, उन्हें हम उठाएंगे। हटाओ राजकुमारी, ये क्या, हम जाग रहे हैं और आप सो रही हैं? ऐसी चांदी रात में आशिक माशूक की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे में खो जाते हैं, सो नहीं जाते। उठिए चलिए हमारे साथ, आज हम आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे, अपनी बाजों में मचलती हुई ताकत के नमूने पेश करेंगे। उठिए राजकुमारी, उठिए ना, उठिए ना। देव सिंह अभी भी वक्त है, समझ जाओ वरना राजगद्दी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। क्यों, क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया, अगर यही हालत रही तो उस लोहार के बच्चे से पल्लवी की शादी हो जाएगी। लेकिन ये नामुमकिन। नामुमकिन तो तुमको राजगद्दी का मिलना भी है, लेकिन उसको मुमकिन सिर्फ हम बना सकते हैं, वो भी तब जब पल्लवी की शादी हमसे हो जाए। अगर उस लोहार के बच्चे ने पल्लवी से शादी कर ली तो जानते हो वो यहाँ का राजा होगा और तुम उसके पांव की धूल। ये कभी नहीं हो सकता, हम अभी जाकर उससे मिलते हैं। इससे, उससे या उसके पुतले से? क्या मतलब? इस वक्त वो सुहार के बच्चे को कबीले का सरदार बनने की मुबारकबाद देने गई होगी, समझे? सरकार, सरकार, सिपाही आ रहे हैं। बच्चे मुंह संभाल के बात करो, इस वक्त तुम इस कबीले के सरदार से बात कर रहे हो। हमारी मंगेतर कहाँ है? भाग गई। एक औरत तो तुमसे संभाल ही नहीं जाती, इतनी बड़ी रियासत क्या खाक संभालोगे? तुम उसे भगा कर लाए हो। बहादुर ना तो खुद भागते हैं और ना किसी को भगा कर ले जाते हैं। हाँ, जो चीज पसंद आ जाए मां कसम उसे भरी सभा से उठा कर ले जाते हैं। हम यहाँ की तलाशी लेना चाहते हैं। शौक से लीजिए।
जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, गढ़े की आओ। मैं कसूर भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने उसकी सुलह बदल दी थी। खामोश, बीच में बोलकर राज दरबार का अपमान करने की किसी को इजाजत नहीं है। ओ चौहान प्रेम सिंह, बोलो तुम्हें क्या इंसाफ चाहिए? रानी माँ, जिस तरह इसकी लापरवाही ने मुझे हाथों से लाचार कर दिया है, उसी तरह इसके हाथ काट कर इसे भी लाचार कर दिया जाए। कोचवान, एक बार फिर से सोच लो। रामती इस रियासत का बहुत पुराना वफादार लोहार है। इससे पहले से दरबार को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। प्रेम सिंह, हम तुम्हें इतनी दौलत देने को तैयार हैं, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार सारी जिंदगी आराम से गुजारा कर सकते हैं। फिर सोच लो। मुझे कीमत नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो आज तक इस रियासत का उसूल रहा है। खून के बदले खून और हाथ के बदले हाथ। बुढ़िया, सजा का हुक्म मिल चुका है, अब रानी माँ अपना फैसला नहीं बदल सकती। जो हाथ सारी जिंदगी इस राज की सेवा करते करते बूढ़े हो गए, आज उन्हीं हाथों को बरसों की वफादारी का क्या खूबसूरत इनाम दिया जा रहा है। ये क्या हो गया बाबा, ये क्या हो गया? इन सालिमों ने मेरे बाबा के हाथ कटवा दिए। कल अगर ये साबित हो जाए कि जिम्मेदार कोई और था, तो क्या आप मेरे बाबा के कटे हुए हाथ वापस दिला सकेंगे? हम मजबूर थे धर्म। इस दुर्घटना में हमारे कोचवान के दोनों हाथ कट गए हैं, और इस दुर्घटना का जिम्मेदार तुम्हारा बाप था। अगर हुकूमत करने वाले यूं ही न्याय करते रहे तो गरीब जनता का तो भगवान ही मालिक है। धर्म, इस वक्त तुम अपने होश में नहीं हो, इसलिए जज्बात से काम ले रहे हो। जज्बात? जज्बात को तो आपके कानून ने घायल कर दिया है। लेकिन एक बात आप भी याद रखिए कि इस राजगद्दी पर बैठकर मन घड़त कानून बनाकर अगर आप गरीबों की जिंदगी से खेलते रहे तो ये राजपाट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गरीबों के दिल में बगावत की आग भड़क उठेगी और इस राजमहल को जला के राख कर देगी। अपनी जबान आगू में रखो, वरना क्या होगा? मेरे बाबा के हाथों की तरह मेरा सर भी तन से जुदा कर दिया जाएगा। आज जान हथेली पर रख कर आया हूँ, आपकी धमकियां मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती। कानून से इंसाफ हर एक के लिए बराबर है, चाहे वो जनता हो या हमारा बेटा हो या हम खुद क्यों ना हो। माँ कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा, जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे टूटेगी, तब देखूंगा कि महल की दीवारें टूटती है या उन्हें बचाने के लिए कानून तोड़ा जाता है। चल बेटा चल, गरीब
जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है धर्म। दिखावे के आंसू और हमदर्दी अपने पास संभाल के रखो राजकुमार, किसी खास मौके पर काम आएंगे। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त। दोस्त? कैसा दोस्त? रानी माँ मेरे बाबा के हाथ काटने का हुक्म देती है, और बेटा जो अपने आप को मेरा सबसे बड़ा दोस्त कहता है, मेरे बाबा के खून बहने का तमाशा देखता रहा। मैं और कर भी क्या सकता था धर्म? तुम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं दिल का जला हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। चले जाओ राजकुमार, वरना तुम्हारे खून के इल्जाम में मुझे भी फांसी का हुक्म दे दिया जाएगा। धर्म, धर्म मुझे एक मौका दे, मैं तेरे बाबा के चरणों में दौलत का ढेर लगा दूंगा। दौलत? दौलत से रोटी तो कमाई जा सकती है राजकुमार, लेकिन वो हाथ कहां से लाऊं जो रोटी का निवाला बनाकर मेरे मुंह तक ले जाते थे। यह है मेरा बेटा रंजीत सिंह, और यह है आजाद सिंह, यह है देव सिंह, सुजान सिंह। बेटा हमारी तरह ये भी धर्म सिंह और वीर सिंह के दुश्मन हैं। मैं यहाँ बता देना जरूरी समझता हूँ कि मैंने सेना को और सेनापति को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। बस अगर हम पांचों मिल जाएं, हम धर्म सिंह और वीर सिंह को खत्म कर सकते हैं। मगर कैसे? धर्म के बाप के हाथ कट जाने के बाद धर्म सिंह और वीर सिंह में एक दरार सी पैदा हो गई है। उस दरार में एक जरा सी चिंगारी डालने की जरूरत है, उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी और हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। वो कैसे? ये वो शाय तीर है जिसे सिर्फ रानी माँ और राजकुमार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार इसे मैं इस्तेमाल करूंगा। फरियादी को दरबार में पेश किया जाए। ये किसकी लाश है? ये मेरी माँ है। क्या किसी ने इनकी जान ली है? हाँ, इस तीर को पहचानती हैं आप? तो अपनी रानी को दिखा दो। ये तीर ये तो शाही तीर है, और आपके इस शाही तीर ने मेरी माँ का सीना छलनी करके इसकी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा दी। मगर ये तीर चलाए किसने? ये मैं नहीं जानता। हाँ, ये दावे से कह सकता हूँ ये वो तीर है जो सिर्फ आप या आप चलाकर जानवरों या जानवरों से बदतर इंसानों की जान लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तीर हमने नहीं चलाया। मेरे बाबा की ये फरियाद जो उन्होंने सलाह बदल दी थी आपने नहीं सुनी, तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये तीर आपने नहीं किसी और ने चलाया है? बोलो, तुम क्या इंसाफ चाहते हो? वही जो इस रियासत का कानून है,
खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, और मुझे चाहिए मेरी माँ के बदले माँ। धर्म, जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? माँ। ठीक है, हमने ये कानून बनाया है तो हम इसका पालन भी करेंगे। हमारी जान देने से अगर तुम्हें इंसाफ मिलता है तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जान लेना तो महल वालों का काम है रानी माँ। हम गरीब तो हमेशा अपनी जान देते आए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? अगर आपके कानून में इंसाफ की जरा से भी गुंजाइश है तो आपको ये महल छोड़कर मेरे साथ मेरे झोपड़े में रहना होगा, मेरी माँ बनकर। क्या पकते हो धर्म? और लोहार के बच्चे, मुंह संभाल के बात कर वरना जुबान खींच ली जाएगी। सत्पाल सिंह, बीच में बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं, बैठ जाइए। धर्म ठीक कह रहा राजकुमार, इसे इंसाफ जरूर मिलेगा, हम माँ बन के धर्म के साथ जरूर जाएंगे। वीर सिंह, आज से तुम इस रियासत के महाराज हो, आगे आओ। राजगद्दी का खाली रहना अशुभ माना जाता है, देखते क्या हो, आगे बढ़ो। चलो बेटे, हम इस सियासत के महाराज की हैसियत से हुक्म देते हैं कि धर्म को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये तो मैं पहले ही जानता था राजकुमार, याद है मैंने कहा था उस दिन का बेताबी से इंतजार करूंगा जब कानून की बिजली इस महल पे गिरेगी, तब देखूंगा महल की दीवारें टूटती हैं या उन्हें सलामत रखने के लिए कानून तोड़ा जाता है। कानून के दरमियान आई हर दीवार को हम तोड़ देंगे, लेकिन कानून पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और हम भी देखते हैं क्या आपको धर्म यहाँ से कैसे ले जाता है। और हम भी देखते हैं धर्म को यहाँ से जाने से कौन रोक सकता है। चल बेटे। सुख दुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। सुख दुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी ममता मिल जाए थोड़ी। हो महाराज, ये सोचने का नहीं कुछ करने का वक्त है। इधर हम राजमहल में आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उधर हमारी बहन एक महारानी उस लोहार के घर में झाड़ू लगा रही होगी, चक्की से आटा पीसकर उसके लिए रोटियां तैयार कर रही होगी, उसके जूठे बर्तन मांझ रही होगी। मामा जी, महाराज आपका वो लोहार दोस्त ऐसा राजद्रोही निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता। काश मैं जवान होता, मेरे बाजू में पहली ऐसी ताकत होती। महाराज मैं इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं रहता।
धर्म सिंह, कल सूरज उगने से पहले रानी मां को काली पाड़ी पर नहीं लेकर आए तो इसका मतलब होगा जिंदगी और मौत का आखिरी जंग। हमारे उस्ताने पर वीर सिंह ने धर्म सिंह को लड़ाई के लिए ललकारा है। इसका मतलब यह हुआ कि वीर सिंह ने अपनी मौत को पुकारा है। रंजीत रंजीत हमें वीर सिंह की मौत का आंखों देखा हुआ हाल आकर सुनाएगा और हम हम इस इल्जाम में धर्म सिंह को मौत की सजा सुनाएंगे। याद हो बेटा, उस दिन मैंने कहा था पत्थर की लकीर मिट सकती लेकिन धर्मवीर की जोड़ी कभी नहीं टूट सकती। आज तुम खुद उसे तोड़ने जा रहे हो। माँ कसम बाबा, मैंने कभी नहीं चाहा धर्म और वीर की जोड़ी टूटे, लेकिन आज वीर ने मुझे ललकारा है। हमारी ये जंग नफरत और दुश्मनी की नहीं, हमारी जंग अपना अपना अधिकार हासिल करने की है। क्या बात है? आपके खाते धर्म और वीर दोनों मरने मारने के लिए तैयार हैं। क्या? कुछ भी कीजिए मगर उनको रोकिए। मेरा तो सब कुछ लुट चुका है रानी माँ। बीवी मर गई, एक धर्मी है जिसको मैंने अपने औलाद की तरह पाला है। क्या धर्म तुम्हारा बेटा नहीं? जी नहीं, आज से 20 साल पहले बाज एक बच्चे को यहाँ छोड़ गया था। बाज? जी हाँ। साल पहले मेरे बड़े बेटे को भी बाज उठाकर ले गया था। कहीं धर्म मेरा बेटा तो नहीं? मेरा आपका बेटा? जरा ठहरिए। इसी कपड़े में बच्चा लिपटा हुआ था। मैं राजमहल जाके वीर को रोकती हूँ। आप धर्म से कहिए कि वीर से आई है। शेरू, शेरू से जाकर उन्हें ले आ। जा। शेरू, क्या बात है शेरू? कोई मुसीबत में है? अच्छा, जगह मालूम है तो चल। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। भैया सुनिए, धर्म और वीर जी को लड़ने से रोकिए, कहीं ऐसा ना हो एक भाई के हाथों से दूसरे भाई की हत्या हो जाए। भाई? हाँ भैया, जिस कपड़े को पहचानिए, ये रामदीन लोहार के घर से मिला। वो बाज हमारे बड़े बेटे को रामदीन के घर ले गया था। धर्म हमारा बेटा है, आपका अपना बड़ा भांजा। मेरा बड़ा भांजा? मेरी मौत का सामान? नहीं नहीं नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से इन्हें रोकिए। भैया जल्दी जाइए ना, रोकिए ना उन्हें, हम खुद जाते हैं। बहन। भैया, भैया, तुमने महारानी। Thank you.
धर्म घुट रहा है। धर्म वीर को लड़ने से रोके, वो दोनों भाई भाई हैं। क्या भाई भाई? हाँ, महाराज ने हमसे वचन दिया था कि राज राज ही रहे, लेकिन आज अगर हमने ये राज नहीं खोला तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। भाई भाई को नहीं पहचान पाएंगे, बाप बेटी मिल नहीं सकेंगे। बाप बेटी? जी हाँ, वो दोनों आप ही के बेटे हैं। क्या मेरे बेटे? आज मिले भी तो किस हाल में? आप खून से लथपथ हैं और दोनों बेटे एक दूसरे का खून बहाने के लिए बेचैन हैं। वो जल्दी जाइए, उन्हें रोकिए। लेकिन मेरे कहने से वो नहीं रुकेंगे, आपको मेरे साथ चलना होगा। तो जल्दी चलिए कहीं। अपने ज्वाला के खून पर भरोसा रखिए महारानी, वो दोनों हमारे बेटे हैं, उनकी लड़ाई का फैसला इतनी जल्दी नहीं हो सकता। आइए। भाई, वीर, भाई भाई।
देवता का शुक्रिया अदा करो जो अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे मौत के मुंह से यहां तक उठा लाए हैं, वरना मैं ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटे, घबराने की कोई बात नहीं। धर्म, सतपाल सिंह, सुजान और देव सिंह आपस में मिल गए हैं और इस जहाज पे हमला करने वाले हैं। क्या? रियासत का जहाज है। जहाज तो अपनी रियासत का है लेकिन लगता है उसने उस पर भी कब्जा कर लिया है। निशान लगाओ और उस जहाज के टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं पिताजी, उस जहाज पर रूपा है और आपने मुझसे वादा किया था कि रूपा को कुछ नहीं होगा, उसे जिंदा मेरे हवाले किया जाएगा। समझते नहीं हो बेटा, अगर मैं रूपा को बचाने के लिए गया तो हरामजादे धर्म और वीर दोनों बच जाएंगे और मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता, जब तक रूपा उस जहाज पर है हम उस जहाज को नहीं उड़ाएंगे पिताजी। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो धर्म को हमारे हवाले कर दो, हम वादा करते हैं तुम सबको छोड़ दिया जाएगा। और हम नहीं भैया, उनके पास तोपे हैं वीर, हमारे पास कुछ भी नहीं। अब मैं नहीं चाहता मुझे अकेले की वजह से इन सब की जाने जाए, और अगर तकदीर में मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता, अगर जिंदगी लिखी है तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता। भैया मैं भी आप वीर, माँ का ख्याल रखना। ऊपर क्यों नहीं आ रहा, शायद हमें धोखा दे रहा है। लाओ मशालेदार। पानी में कहां ढूंढ रहे हो मामा, या ऊपर देखो तुम्हारे सर पे खड़ा हूं। आ रहा हूं मामा, तुम्हारे पास आ रहा हूं। मामा ये तुम्हारे आदमी डर क्यों रहे हैं? खाली हाथ आया हूं, कह दो इनसे पकड़ ले मुझे। पकड़ लो इसे। आज हम अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे। मारो। मुझे इससे अपना हिसाब चुकाना है। एक बार इसने मेरा मुंह काला किया था, आज मैं इसका मुंह काला करूंगा और आपकी मौत को बड़े प्यास से मारूंगा। बांधो इसे। काश हमारे पास ये तोप होती। राजकुमार वो देखो, ये दूसरा जहाज कहां से आया? ये हमारे गद्दार भाई का जहाज है। तुमने उन्हें वादा किया था कि तू बाकी सबको जिंदा छोड़ देगा? वादा? पर खुरदार, वादे का इतबार समझदार नहीं किया करते। Thank you.
माँ का ख्याल रखना। आवीर। लड़की का सहारा लेता है बिजनेस। अगर मर्द है तो अपने सीने को ढाल की तरह इस्तेमाल कर। सिपाहियों पकड़ लो इसे। गीदड़ शेर की गार में खुद आया है, अपनी मौत खुद मरेगा। तुम सब लोग पीछे जाओ। हरकत की तो कलाई तोड़ के रख दूंगा, समझी? अबे ओ चिड़ी मार की औलाद, औरत की कलाई क्या मरोड़ है? हिम्मत है तो आप पकड़ मेरा हाथ। दुरी का नया ढंग सिखा गया है कोई, चुका के खून की कीमत चला गया है कोई, धर्म और वीर का नाम रह जाए धरती पर, सबक जमाने को ऐसा सिखा गया है कोई। सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। अरे हथौड़े से भई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी।